कदीम तहजीब, खूबसूरत सकाफत, बेमिसाल मेजबानी, लजीज खानों की ना खत्म होने वाली वैरायटी, मुनफरिद आर्ट और अपनी मिट्टी से मोहब्बत का एक मजबूत कला, पिशावर, जिस पर कुदरत इस कदर मेहरबान है कि दुनिया इसे फूलों के शहर के नाम से जानती है। खास जुग्राफियाई मोहल्ले वकूह की वजह से पेशावर जमाना कबल मसीह से खित्ते की मुआशी सरगर्मियों का मरकज रहा है। सिकंदर आजम और मुगलों समेत कई मुहिमजू इसी रास्ते बरेसगीर में दाखिल हुए। 500 साल कबल मसीह में एक छोटा सा कस्बा पेशावर आज पाकिस्तान के शमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा है और सबसे बड़ा शहर बन चुका है। दूसरे शहरों से रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद मुख्तलिफ जरूरियात के पेश नज़र पेशावर का रुख करते हैं, जो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। आज का पेशावर चैलेंजेस को पीछे छोड़कर जू पेशावर की आसानियों से हमकनार हो चुका है। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान और आज हम आपको हाल ही में मुकम्मल होने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जू पेशावर की सैर कराएंगे और इसके बारे में तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। जू पेशावर का इफ्तिताह 13 अगस्त 2020 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने किया। मंसूबे की तामीर का आगाज 2017 में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत शुरू हुआ, ताकि पेशावर के बेहंगम कदीम और खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। 19 अक्टूबर 2017 को उस वक्त के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज खटक ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा और इस बस सर्विस मनसूबे का नाम जू पेशावर रखा गया। जू पेशावर का मतलब है चलो पेशावर। जू पेशावर का 27 किलोमीटर तवील BRT कॉरिडोर चमकनी से कारहानों तक तमीर किया गया है, जिस पर 32 जदीद तरीन टर्मिनल बनाए गए हैं। जू पेशावर कॉरिडोर को जरूरत के मुताबिक ऑन ग्राउंड एलिवेटेड और अंडरग्राउंड सेक्शंस में तामीर किया गया है, ताकि इसकी अफादियत हर जगह बरकरार रहे। जू पेशावर थर्ड जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके मेन कॉरिडोर को 5 ऑफ कॉरिडोर रूट्स के जरिए पूरे शहर से मुंसलिक किया गया है, ताकि शहर के कोने कोने में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत की फराहमी मुमकिन हो सके। इस मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 71 अरब रुपए है, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंसिंग फराहम की। सूबाई हकूमत ने 48.8 अरब रुपए कर्ज लिया, बाकी रकम KPK हकूमत ने खुद फराहम की। बसों की फराहमी का मुआहदा चाइना की ज़ियामेन गोल्डन ड्रैगन बस कंपनी लिमिटेड से है। जू पेशावर में मजमूई तौर पर 220 जदीद तरीन एयर कंडीशन बसों का इंतजाम किया गया है। जू पेशावर पाकिस्तान का पहला मंसूबा है, जिसने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइब्रिड बसें मुतारफ कराई हैं।
ये बसें महज 20 मिनट में चार्ज होकर पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगाने की सलाहियत रखती हैं। चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर और सफाई के लिए ऑटोमेटिक क्लीनर्स नसब किए गए हैं। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये बसें शहर में फजाई आलूदगी में खातर ख्वाह कमी का सबब बन रही हैं। IT बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए बसों की मूवमेंट को इस तरह तरतीब दिया गया है कि मुसाफिरों को हर स्टेशन पर हर 5 मिनट बाद बस दस्तयाब हो। जू पिशावर के बस स्टेशंस को आलमी मेयार की सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जहां हर उम्र के अफराद सफर की जदीद सहूलतों से मुस्तफीद हो सकते हैं। खास तौर पर बुजुर्गों, माजूर और बीमार अफराद की सहूलत के लिए रैंप, एक्सीलेटर और लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। बस स्टेशंस के दाखिली मकामात पर टिकट ऑफिस और टिकट वेंडिंग मशीनें नसब की गई हैं, जहां मुसाफिर आसानी से जू कार्ड खरीद सकते हैं और रिचार्ज भी करा सकते हैं। जू पिशावर का किराया कलेक्शन सिस्टम भी जदीद तकाजों से हम आहंग है, जो स्मार्ट चिप बेस जू कार्ड या जू मोबाइल ऐप को ऑटोमेटेड फेयर गेट्स पर टैप करके स्टेशन में दाखिल हो जाते हैं। आवाम को तहफ्फुज का एहसास देने के लिए स्टेशंस में CCTV कैमरे नसब किए गए हैं। आवाम की रहनुमाई और आगाही के लिए ऑन कॉरिडोर और ऑफ कॉरिडोर रूट्स को शहरियों की तमाम मुमकिना सफरी ज़रूरियात के ऐन मुताबक तरतीब दिया गया है। बड़े हस्पताल, तलीमी इदारे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या बड़े तजारती मराकज, जू पिशावर तमाम मसरूफ मकामात तक शहरियों को सफ़र की बावकार सहूलियात फराहम करता है। जू पिशावर में दो तरह की बस सर्विस शुरू की गई है। एक स्टॉपिंग बस जो हर स्टेशन पर रुकती है और तकरीबन 60 मिनट में पूरा सफर तय करती है। दूसरी एक्सप्रेस बस जो चमकनी से कारहानों तक सिर्फ 7 स्टेशन पर रुकती है और 27 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 45 मिनट में तय करती है। जू पिशावर का एक और मुनफरिद पहलू जू बाइसिकल सर्विस की फराहमी है। जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम शहर में माहौल दोस्त और सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की फराहमी समेत जू पिशावर की अफादियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस वक्त तक मुयस्सर नहीं हो सकता जब तक इसके इस्तेमाल को मुसाफिरों की जरूरियात के ऐन मुताबिक डिजाइन ना किया जाए। जू पिशावर पाकिस्तान का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें 3 मकामात पर पार्क एंड राइड फैसिलिटी फराहम की गई है, जहां आवाम अपनी गाड़ियां पार्क करके जू पिशावर की सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। जू पिशावर ने जहां शहरियों को सस्ती, मायारी और बावकार सफरी सहूलियात फराहम की हैं, वहां इसने नौजवानों को 4000 से ज़ायद बराए रास्त मुलाजमत के मौके भी फराहम किए हैं, जिनमें पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और दीगर अमला शामिल है। जू पिशावर के असरात का अंदाज़ा इन हकायक से बखूबी लगाया जा सकता है कि इसमें रोज़ाना 2 लाख से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। जू पिशावर मैज एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे से बढ़कर है, एक ऐसा पिशावर जो जिद्दत पसंद और माहौल दोस्त फिक्र के साथ नई मंजिलों की जानिब रवां दवा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।